गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल पैथोलॉजी की क्लास में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन जनरल पैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का पहले मतलब समझते हैं, है क्या इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का अगर इंग्लिश में मतलब देखें, इन्फ्लेमेशन अगर ये एक वर्ड है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, तो इन्फ्लेमेशन मतलब जलना, तो इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जलना अगर इंग्लिश में बात करें। ठीक, इन्फ्लेमेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन है वो गर्म हो जाता है और रेड यानी लाल हो जाता है। जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होता है वो एरिया गर्म भी फील होता है और लाल भी दिखता है, जिसकी वजह से इसको इन्फ्लेमेशन बोला यानी जलना। तो इन्फ्लेमेशन का अगर इंग्लिश मतलब देखें तो उसका मतलब होता है आग, फायर, इन्फ्लेमेशन जलना। इन्फ्लेमेबल नाम सुना होगा, ज्वलनशील चीज़ों को बोलते हैं इन्फ्लेमेबल, तो इन्फ्लेमेशन यानी जलन। लेकिन अगर पैथोलॉजी में देखें कंप्लीट मतलब इन्फ्लेमेशन का क्या है, तो इन्फ्लेमेशन एक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब होता है कि हमने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में उसने हमें रिव्यू क्या दिया, रिस्पॉन्स कैसा दिया। तो बॉडी अपने आप नहीं इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करती है, वो उसका रिस्पॉन्स है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स दे रही है। क्या हो सकता है, वो डैमेज का रिस्पॉन्स है। अगर हमारी बॉडी में डैमेज हो रही है कोई भी एरिया, टिश्यू, सेल, तो उसके बदले बॉडी उसकी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, फ़ायदा क्या था रिस्पॉन्स का, उस डैमेज को कम करने का, मिनिमाइज एंड रिपेयर, बाद में उसको ठीक भी करना है ताकि हीलिंग हो सके। तो हमारे बॉडी में किसी भी टिश्यू में अगर डैमेज होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा यानी वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स दे रही बॉडी, वो रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है क्योंकि डैमेज को कंट्रोल करने का जो सिस्टम हमारे पास है वो है इम्यून सिस्टम। अब ये डैमेज कई प्रकार का हो सकता है, सेलुलर डैमेज में इसको डिस्कस किया है, ये फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। फिजिकल डैमेज मतलब चोट लगना फिजिकल डैमेज, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से यानी चाकू छुरी से चोट लग सकती है, ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी डंडे से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हुआ, ज़मीन से टकरा गए, कार से टकरा गए, तो ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है। धारदार चीज़ें अलग होती हैं और ब्लंट चीज़ें अलग होती हैं, दोनों ही फिजिकल ट्रॉमा में आते हैं, फिजिकल डैमेज। सेकेंड क्या हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, केमिकल डैमेज हो सकता है, एसिड से जल गए, बेस यानी एल्कली से जल गए, ये कहलाते हैं केमिकल डैमेज। थर्ड और क्या हो सकता है, थर्मल डैमेज, थर्मल यानी टेम्परेचर से रिलेटेड, बहुत गर्म चीज़ हो तो हॉट डैमेज और ठंडी हो तो कोल्ड, तो ये थर्मल में दोनों चीज़ें आती हैं। गर्म चीज़ों से भी डैमेज होता है, ठंडी से भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक में फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, उसमें भी सेल डैमेज होती हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड अगर डैमेज हो रहा है सेल में तो उसको बोलते हैं थर्मल इंजरी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी पे इन्फेक्शन कर दिया, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, निमेटोड्स, ये सब कराते हैं इन्फेक्शन। हमारी बॉडी पर डैमेज हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, तो उसमें भी सेल की डैमेज होती है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। बात ज़रूर ध्यान रखना, इन्फेक्शन वर्ड अलग है और इन्फ्लेमेशन अलग है, इन्फेक्शन अलग है, इन्फ्लेमेशन अलग है। जो तुम लोग नाम पढ़ते हो, आइटिस लगा होता है किसी भी नाम के बाद, आइटिस यानी गैस्ट्राइटिस, स्टमक में सूजन गैस्ट्राइटिस, लिवर में सूजन हेपेटाइटिस, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है ना कि इन्फेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह रहे हैं गैस्ट्राइटिस, तो बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक और आइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन, नहीं, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, पेट में सूजन आई है उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फेक्शन से सूजन आई है तो गैस्ट्राइटिस कहेंगे, ड्यू टू इन्फेक्शन है। क्लियर, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, कार्डाइटिस, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को शो करती है। तो इन्फेक्शन से अगर डैमेज हुआ है तो उसमें इन्फ्लेमेशन आएगा, बहुत कॉमन मैकेनिज्म है इन्फेक्शन से। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून और लास्ट हो सकता है रेडिएशन। ये सारी मैकेनिज्म है सेल को डैमेज करने की, किसी भी वजह से अगर डैमेज स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सबसे पहला रिस्पांस बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन एक लोकल बॉडी का रिस्पांस है, पूरी बॉडी में नहीं होता है, जहाँ पर डैमेज हुआ है बस वहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लोकल रिस्पॉन्स। तो इस रिस्पॉन्स में बॉडी करती क्या है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन के
कार्डिनल साइंस क्या है? कार्डिनल मतलब उसके स्पेशल साइंस कह सकते हैं, कार्डिनल साइंस क्या है, उसके मेजर साइन क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो कार्डिनल साइंस पांच होते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन में, जिस बॉडी के ऑर्गन पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं साइन। तो कार्डिनल साइन इसके क्या क्या होंगे, पिछली टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वो क्या होंगे। सबसे पहले वो एरिया गर्म फील होगा जिसकी वजह से उसको इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं। तो वार्म वो एरिया, वो टिश्यू जितनी जगह पर रिस्पॉन्स हुआ है इन्फ्लेमेशन का वो वार्म होगा। और इसको अगर लैटिन वर्ड में देखें तो बोलते हैं कैलोर, कैलोरी से बनता है कैलोर। कैलोरी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट है, तो लैटिन वर्ड में इसको बोला कैलोर। तो पहला हो गया वार्म, जिस ऑर्गन पे, जिस बॉडी के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो पहली बात तो वार्म होगा। दूसरा साइन क्या मिलेगा, वो रेड दिखेगा, रेडनेस बढ़ जाती है, वो एरिया लाल दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में, रूबॉर, रूबॉर। रूबॉर नाम होता है, रेड से रिलेटेड होता है, रूब्रम रूबॉर। तो रेड से आर से रेड, आर से रूबॉर। इसको मेडिकल नाम में एरिथमा भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट होती है, एरिथ्रोसाइट मतलब लाल सेल, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रो मतलब भी होता है रेड, रूबॉर मतलब भी होता है रेड, तो एरिथमा भी कहते हैं। रूबॉर लैटिन नाम है और रेडनेस कॉमन नाम है। थर्ड क्या हो सकता है, उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आएगी इन्फ्लेमेशन में, सूजन आ जाती है जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन है, उसको लैटिन में बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर कह सकते हैं, ट्यूमर वो ऑर्गन स्वेल कर गया यानी एडिमा आ गया, उसको बोलते हैं मेडिकल नाम में एडिमा। पहला हो गया वार्म, दूसरा रेडनेस, तीसरा स्वेलिंग, चौथा और क्या हो सकता है, पेन। उस जगह पर पेन होता है, पेन को लैटिन में बोलते हैं डेलोर। तो कैलोर, रूबॉर, ट्यूमर, डेलोर, ये लैटिन नाम है, याद रख पाओ तो अच्छी बात है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की। साइन के मतलब समझ में आने चाहिए कि वार्म हो सकता है, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, लैटिन के नाम है कैलोर, रूबॉर, ट्यूमर, डेलोर। क्लियर, ये नाम दिए किसने थे, चार जो ये वाले चार हैं ये तो बताए थे सेल्सस ने, एक साइंटिस्ट थे सेल्सस, उन्होंने ये चार साइन बताए थे कि इन्फ्लेमेशन में चार साइन होते हैं, कैलोर, रूबॉर, ट्यूमर, डेलोर, यानी वार्म होगा, रेड होगा, स्वेलिंग आएगी और पेन होगा। लेकिन उसके बाद एक पांचवा और ऐड किया गया, लॉस ऑफ फंक्शन, जिस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है उसका फंक्शन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो ऑर्गन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो इसको बोला लॉस ऑफ फंक्शन। लैटिन में अगर इसको लिखे तो फंक्शन लेसा, फंक्शन LASA, फंक्शन लेसा। तो पांच नाम क्या हुए, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे समझे कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो एग्जांपल के लिए तुम लोग सबने ये बात हो सकता है फील की हो कि कभी भी अगर बी स्टिंग हो जाए, बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का डंक लग जाए, मधुमक्खी ने काट लिया, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन के सारे साइन तुमको देखने को मिलेंगे, ऊपर स्किन से ही दिखाई देता है, इंटरनल ऑर्गन में नहीं, ऊपर स्किन पर अगर बी स्टिंग हो गया यानी मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या क्या होता है। बचपन में या कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी ने, हर किसी ने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, नहीं हो तो कोई और चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, वो सब डैमेज होता है, सेल में डैमेज है। कैसे डैमेज करते हैं, वो कुछ केमिकल डाल देते हैं हमारी स्किन में, मच्छर काटता है तो वो एक एंटीकोगुलेंट डालता है जिसकी वजह से एलर्जी होती है और वहाँ पर केमिकल रिलीज होने से डैमेज हुआ और उससे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। तो क्या क्या साइन दिखते हैं, अगर बी स्टिंग हुआ इमेजिन करना, वो एरिया वार्म हो जाता है, रेड हो जाता, सॉरी गर्म हो जाता है, जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा या मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा, तो वो एरिया गर्म होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो गर्म होगा। देखने पर वो एरिया लाल हो जाएगा, वो एरिया रेड दिखता है स्किन पर, एक पैच रेड दिखाई देगा। स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी देर के बाद, यानी एडमा आ जाता है उस एरिया में, स्वेलिंग आ जाएगी। और पेन तो सभी ने फील किया है, मच्छर काटने पे भी पेन होता है, चींटी से भी और बी स्टिंग से भी। तो ये चार साइन एकदम क्लियर दिखाई देते हैं जब बी स्टिंग यानी मधुमक्खी काट लेती है। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब अगर किसी ऑर्गन पे काटा यानी स्किन, हाथ पे काट लिया यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, जिसकी वजह से हाथ को पूरी तरीके से मूव नहीं कर सकते, कुछ भी उठाने में दिक्कत होगी कि पेन हो रहा है, अरे नहीं मूव नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो रही है, इस ऑर्गन का फंक्शन कम हो गया, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू एडिमा एंड पेन।
इतना दर्द होता है और स्वेलिंग आ जाती है कि उस ऑर्गन को कॉमनली यानी नॉर्मल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो पांचवा साइन भी मिल गया, लॉस ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो ये पांचों साइन इन्फ्लेमेशन के हैं। जिस भी जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये पांच साइन देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक, तो इन्फ्लेमेशन का पर्पज़ क्या था बॉडी का? प्रोटेक्शन। इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स है ये एक बॉडी का, जिसका पर्पज़ है यानी मकसद क्या है इन्फ्लेमेशन का? प्रोटेक्शन, बॉडी को बचाना है। बचा कैसे रही है? अभी जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये डैमेज को कम कैसे करती है। तो याद करने वाली बातें अभी तक हुई, इन्फ्लेमेशन, इसको नाम में आइटिस लगा होता है ऑर्गन के लास्ट में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है, पैनक्रियाटाइटिस, इसका मतलब उनको लगता है इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रियाज, ये गलत है। पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। हो सकता है वो इन्फेक्शन से हुआ, लेकिन हो सकता है वो इन सब रीज़न से हुआ हो, किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, इन्फेक्शन को नहीं बोलते पैनक्रियाटाइटिस। ठीक, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने इन्फ्लेमेशन को डिवाइड किया है दो टाइप में, दो टाइप में बांटा गया इन्फ्लेमेशन को। इस पर कोई एक ही क्वेश्चन आता है, या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन पूछा जाएगा या क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप का इन्फ्लेमेशन बांटा है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है और ये जल्दी ठीक भी हो जाएगा। छोटी ड्यूरेशन की कोई भी कंडीशन को एक्यूट बोलते हैं, और अगर वही कंडीशन काफ़ी लंबे समय तक की रहती है तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। तो क्रोनिक लंबे समय के लिए, एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन छोटे समय के लिए। क्लियर? शॉर्ट ड्यूरेशन, हर चीज़ में एक्यूट क्रोनिक यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन में ही नहीं, कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज़ हो, पेन हो, कोई भी सिम्टम हो, तो उसके बाद एक्यूट क्रोनिक लगा सकते हैं। बस एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि ये इसकी ड्यूरेशन लेस देन टू वीक्स रही होगी, लेस देन टू वीक्स में एक्यूट बोलते हैं, यानी दो हफ्ते के अंदर ये ठीक होने लगता है, उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी लंबे समय तक है, दो हफ्ते क्रॉस कर गया और अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एग्जैक्ट ड्यूरेशन मतलब ये ना सोचना कि बस आज 14 दिन हुए, अभी तक एक्यूट था, बस 15वां लगा और ये क्रोनिक में बदल गया। शुरुआत हर इन्फ्लेमेशन के एक्यूट की तरह होती है, अगर वो परसिस्ट कर गया यानी जिस वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ था वो लंबी खिंच गई, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी को न्यूमोनिया हुआ, ठीक है, एल्वोलाई में डैमेज स्टार्ट हुआ बैक्टीरिया से, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ। उस इन्फ्लेमेशन का आउटकम क्या होगा? या तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, क्लियर, ठीक हो गया दो हफ्ते के अंदर, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन था, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया दवाओं से चाहे इम्यूनिटी से, वो ठीक हो गया, जो बैक्टीरिया पहुँचा था उसने उसको मार दिया बॉडी ने, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन खींच गया लंबा, कोई ऐसा बैक्टीरिया था, मान लो टीबी का बैक्टीरिया पहुंचा था, उसने लंग्स को डैमेज किया और धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट किया और काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक में। क्लियर? डैमेज स्टार्ट होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, अगर वो जो पैदा करने वाला डैमेज का रीज़न था वो हट गया तो एक्यूट ठीक हो जाएगा। अगर वो लंबा खींचा यानी वो चीज़ जो इन्फ्लेमेशन करा रही थी वो नहीं हटी हमारी बॉडी से, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं एक्यूट और क्रोनिक। गैस्ट्राइटिस पे भी यही होता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। स्टमक में सूजन आ गई, अगर वो छोटी ड्यूरेशन की है जल्दी ठीक हो जाएगी तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस, लंबे समय तक है तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। चलो अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो अब तुम लोग बैकग्राउंड समझ गए हो। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी का रिस्पॉन्स जिसमें डैमेज के बदले बॉडी उस एरिया को पांच साइन के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जिस एरिया में डैमेज हुआ वहाँ पर ये पांच साइन देखने को मिलते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं इसकी मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म मतलब ये हो कैसे रहा है, ये इम्पॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता क्या है उसको तो एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी मैकेनिज्म चल रही है इन्फ्लेमेशन में, जो भी प्रोसेस वहाँ पर हो रही है ऑर्गन में, उसको दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं वैस्कुलर इवेंट्स, जो भी इवेंट यानी काम हो रहा है वहाँ पर उसको बोला वैस्कुलर इवेंट्स।
तो एक कैटेगरी हो गई वैस्कुलर इवेंट्स, दूसरी कैटेगरी हो गई सेलुलर इवेंट्स, एक कैटेगरी हो गई वैस्कुलर इवेंट्स, दूसरी हो गई सेलुलर इवेंट्स। वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स से रिलेटेड, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियो यानी हार्ट, वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स। तो वैस्कुलर इवेंट यानी ब्लड वेसल में क्या क्या चीज़ें होंगी उनको कैटेगराइज करेंगे वैस्कुलर इवेंट्स में, और सेलुलर इवेंट यानी सेल्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सेल में चेंजेस होते हैं क्या क्या करती हैं सेल्स उसको पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट्स में। तो वैस्कुलर इवेंट्स यानी ब्लड वेसल्स, और सेलुलर इवेंट्स यानी सेल्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो वैस्कुलर इवेंट यानी रिलेटेड विथ ब्लड वेसल्स, और सेलुलर इवेंट्स यानी ब्लड सेल्स, इसमें क्या चेंजेस आएंगे उनको पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट्स में। तो आज पहले डिस्कस करेंगे वैस्कुलर इवेंट्स, वैस्कुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स, इवेंट्स यानी होता है क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उनको बोलते हैं इवेंट्स, नाम सुना होगा सब नहीं। तो वैस्कुलर इवेंट यानी ब्लड वेसल में चेंजेस। तो हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं, वेसल्स माने सब कुछ जिसमें भी ब्लड बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स हो सकती हैं, प्योर ब्लड की वेसल्स यानी आर्टरी हो सकती हैं, इम्प्योर ब्लड की वेसल्स यानी वेन हो सकती हैं। वेसल यानी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसमें लिक्विड बहता है उसको वेसल्स कह सकते हैं, क्लियर। तो ब्लड वेसल्स यानी जिसमें ब्लड बह रहा है। तो वैस्कुलर इवेंट में जब ब्लड बहता है तो वो कई कैटेगरी की वेसल्स से होकर जाता है, नाम तुम लोग को पता होंगे, आर्टरीज, आर्टरी के बाद जाता है वो आर्टीरियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद वेन्यूल्स और एंड में वेन्स। ठीक, आर्टरी से गया मतलब हार्ट से निकला, हार्ट से ब्लड आर्टरीज में होता हुआ जाता है, फिर वो आर्टीरियोल में जाता है, उसके बाद कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल में आता है, वेन्स में आता है, और फिर अल्टीमेटली हार्ट में आ जाता है। तो ये होता है हमारी बॉडी का वैस्कुलर सिस्टम। आर्टरीज बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, उसके बाद वो डिवाइड करती हैं वेन्यूल्स में, फिर ये वेन्यूल्स डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में। ठीक, एक बहुत घना जाल बन जाता है बिल्कुल महीन महीन वेसल्स का, उनको बोलते हैं कैपिलरीज, माइक्रोस्कोपिक होती हैं बहुत महीन वेसल्स, और उसके बाद फिर ये ऐड हो जाती हैं ऐसे ही वेन्यूल्स के फॉर्म में, और वो वेन्यूल्स मिलके बनाती हैं वेन। ये हो गई आर्टरी, इधर से ब्लड गया, ये छोटी छोटी और आर्टरियोल्स में बट गई, आर्टीरियोल्स यानी छोटी आर्टरी, अभी ब्लड प्योर है यानी ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद कैपिलरीज, ये टिश्यू में ऑक्सीजन को छोड़ने का और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करती हैं, एक्सचेंज कैपिलरीज में ही होता है, और उसके बाद फिर वो सब गंदा ब्लड लेके एक साथ जुड़ जाती हैं और उनको बोलते हैं वेन्यूल्स, और एंड में वेन्स बना के वो वापस चली जाती हैं। तो ये होता है हमारा वैस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन। तो जब किसी बॉडी ऑर्गन पे चोट लगी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डैमेज स्टार्ट हुआ, मान लो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से क्या होता है बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। तो सेलुलर इवेंट में जो पहला इवेंट है, अब हम लोग इवेंट्स पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स, इसमें जो पहला इवेंट है वो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। हैरानी की बात है, इन्फ्लेमेशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी समय के लिए होता है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होगा, यानी पहला रिस्पांस हमको लिखना ज़रूर है, ये किसी काम का नहीं है वैसो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन बॉडी का जो पहला है, जो फर्स्ट रिस्पांस होता है वो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेसल्स का नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना, उसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल्स खुली हुई थी, वो सिकुड़ के छोटी हो गई, उनके अंदर जो रास्ता था वेसल्स, ये ट्यूब है ऊपर से देखेंगे अगर आर्टरी को, और वो ऐसे सिकुड़ जाए तो उसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल्स का रास्ता छोटा होना उसको बोला वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वही रास्ता अगर फैल के बड़ा हो जाए तो बोलते हैं वैसो डायलेशन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी वेसल्स का नैरो हो जाना वो कहलाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये फर्स्ट इवेंट है,
वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहला है, लेकिन ये किसी काम का खास नहीं होता और बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटे समय के लिए होता है, क्योंकि इसके बाद वैसोडायलेशन होना है, वही तो मेन स्टेप है, तभी तो ब्लड ज़्यादा आएगा और वहाँ पर रेडनेस दिखेगी और वार्म हो जाएगा, वो अगले एक स्टेप में पड़ते हैं। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहला इवेंट है, इसमें वेसल्स नैरो हो रही हैं, किसी काम का नहीं होता है, बस बॉडी का पहला रिस्पॉन्स है कि पहले वेसल्स सिकुड़ेंगी बाद में फैलेंगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड है वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन, इसको वैसो डायलेशन भी लिख सकते हो, वैसो डायलिटेशन भी लिख सकते हो, दोनों ही वर्ड सही हैं। तो वैसो डायलेशन मतलब वेसल्स का वाइड हो जाना, यानी खुल के चौड़ी हो जाती हैं, उनको बोलते हैं वैसो डायलेशन। वेसल्स का रास्ता ऐसा था, ये खुल के चौड़ी हो गई, तो अब इसमें ब्लड ज़्यादा बहेगा, इसको बोलते हैं वैसो डायलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी की वजह से जिस एरिया में डैमेज हुआ है वहाँ पर ज़्यादा ब्लड आएगा, और ब्लड तो हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डैमेज हुआ है तो रिपेयर करना है। इसके लिए वैसो डायलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं आर्टेरियोल्स, यानी ये आर्टेरियोल्स में सबसे अच्छा होता है, आर्टेरियोल्स ये वाली। तो पूछें वैसो डायलेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है आर्टेरियोल्स में। इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैसो डायलेशन आर्टेरियोल्स सबसे ज़्यादा ये फैलती हैं आर्टेरियोल्स। कैपिलरी में भी होता है, वेन्यूल्स में भी होता है, आर्टरी वेन सब में होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है आर्टेरियोल्स में। ठीक, तो आर्टेरियोल्स में वैसो डायलेशन हो गया, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई बढ़ गई उस एरिया की, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर पाइप चौड़ा हो जाएगा तो ब्लड ज़्यादा आएगा और धीमा भी बहेगा, इसकी वजह से स्लो फ्लो ऑफ ब्लड। अब ब्लड धीमा भी बहेगा, पाइप पतला होता है तो तेज़ी से पानी बहता है, पाइप चौड़ा हो जाता है तो फ्लो धीमा हो जाता है। बर्नौलीज थ्योरम याद होगा फिजिक्स में से, तो समझ लो ब्लड वेसल्स की डायलेशन होने से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा ब्लड आएगा और वहाँ पर धीमे बहेगा क्योंकि पाइप चौड़े हो गए। इन दो की वजह से क्या होता है, हमको दो साइन देखने को मिलते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो पांच साइन थे वार्म, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो इसमें दो साइन हमको इसकी वजह से मिल गए, वैसो डायलेशन से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया रेड हो जाएगा, रेडनेस दिखेगी क्योंकि ब्लड ज़्यादा रुक रहा है। दूसरा क्या मिलेगा, जब ब्लड ज़्यादा आ रहा है और ब्लड गर्म होता है इसलिए वार्म हो जाएगा। ठीक, तो दो साइन हमको वैसो डायलेशन की वजह से मिलते हैं, रेडनेस और वार्म। रेडनेस को बोला रूबॉर और वार्म को बोला कैलोर, कैलोरी से कैलोर। तो दो साइन हमको मिले वैसो डायलेशन की वजह से। वैसो डायलेशन होने का रीज़न क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे जब रेगुलेटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कौन करता है, कौन बताएगा कि ये काम होना है। तो जब सेल्स डैमेज होती हैं तो ब्लड सेल्स और टिश्यू की सेल्स दोनों कुछ केमिकल्स निकालती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से वैसो डायलेशन होता है। क्लियर, तो अभी स्टेप पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर वैसो डायलेशन, और ये सब वैस्कुलर इवेंट है, वेसल्स में चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, जो कहलाता है हॉलमार्क है इसका, वो होता है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीएबिलिटी। इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीएबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, परमीएबिलिटी मतलब होता है आर पार निकल जाना, परमीएबल मतलब किसी दीवार को, किसी वैस्कुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाना, वो कहलाता है परमीएबिलिटी। ब्लड बहता है वेसल्स में, वेसल की एक दीवार होती है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, ये ब्लड का सेल या वाटर या केमिकल्स अगर इसके बाहर आए तो उसको बोलते हैं परमीएबिलिटी, कितना आ सकता है बाहर, उसको बोला परमीएबिलिटी। तो हेडिंग का नाम है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीएबिलिटी, यानी वेसल्स के बाहर निकालने की क्षमता बढ़ गई। अब ब्लड में जो मटेरियल है वो ब्लड से छन के बाहर आने लगेगा, ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल भी परमीएबल होता है, तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ग्लूकोज मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं, केमिकल्स का एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है और लिम्फ का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, तो परमीएबिलिटी तो हर वेसल्स में रहती है,
तभी तो ब्लड से लेन देन होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में ये बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, और ये इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क है। हॉलमार्क मतलब ये पहचान है, इसको बोलते हैं हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी से पता चलता है कि हाँ अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है। जो बेस्ट हॉलमार्क है यानी इसको देख के हम कंफर्म हो जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन है ये, वो है क्या है एग्जांपल, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, इट इज़ हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है वेन्यूल्स में, वेजोडाइलेशन आर्टेरियोल्स में हुआ ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ सके, और वेन्यूल्स में परमिएबिलिटी बढ़ गई। होता सब में है, परमिएबिलिटी भी सब में बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम वेन्यूल्स में होती है। तो इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी मैक्सिमम इन वेन्यूल्स, कैसे होता है, परमिएबिलिटी बढ़ती कैसे है, ये समझने वाली बात है। अगर हम एक ब्लड वेसल को देखें, इसकी दीवार काहे से बनी होती है? इसकी दीवार जो सबसे अंदरूनी होती है वो होती है एंडोथीलियम, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम, क्लियर। तो ब्लड वेसल की सबसे अंदर की वॉल को कहते हैं एंडोथीलियम, ये सबसे अंदर की लेयर है, इसलिए एंडोथीलियम अंदर की लेयर। तो एंडोथीलियम में कुछ गैप्स होते हैं, हल्के हल्के बहुत महीन होते हैं, जिसके बीच से ये केमिकल निकल सकता है। अब क्या हो रहा है, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है परमिबिलिटी बढ़ाने का, वो होता है गैप फॉर्मेशन। अब एंडोथीलियम में गैप बनने लगेंगे, एंडोथीलियम गैप फॉर्मेशन यानी एंडोथीलियम के बीच की जगह पर गैप आ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी। उसको कैसे बताएंगे, अगर एग्जांपल के तौर पे पहले डायग्राम में क्या था और अगले में क्या चेंजेस आ गए। अब एंडोथीलियम में ऐसे गैप बन गए, ठीक, एंडोथीलियम सेल्स दूर दूर हो गई और उनके बीच में जगह खाली हो गई, इसको बोला गैप फॉर्मेशन, गैप बन गए। गैप जानते हो ना, जगह होना, खाली जगह, उसको बोलते हैं गैप। तो गैप कैसे बने, एंडोथीलियम सेल्स दूर दूर हो गई, तो पहली मैकेनिज्म गैप फॉर्मेशन की हुई एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है कि उनके बीच की जगह इंक्रीज हुई जा रही है, एंडोथीलियम की सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई और उनके बीच में जगह बढ़ गई, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको कराने वाले भी कुछ मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर्स यानी कौन करा रहा है इसको, मीडिएटर्स या रेगुलेटर्स कहते हैं, वो इस पर केमिकल आके एक्ट करता है और एंडोथीलियम सेल्स सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उनके बीच में गैप बन जाता है जिससे केमिकल ज़्यादा निकल सकता है। हेडिंग का नाम है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, रीज़न क्या है, एंडोथीलियम सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन, एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, चिपकी चिपकी सेल्स रखी थी, अगर सारी सेल्स सिकुड़ने लगी तो उनके बीच में जगह बन जाएगी, उसको बोलते हैं गैप फॉर्मेशन, ठीक। और दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है एंडोथीलियल डैमेज, गैप बनने, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी के दो तरीके हो सकते हैं, या तो गैप फॉर्मेशन बन जाए यानी इस पर केमिकल आके एक्ट करेगा, देखो अभी चिपकी चिपकी सेल्स हैं, अगर ये सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगें तो ये सेल्स सब छोटी हो जाएंगी और बीच में गैप बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ गैप फॉर्मेशन, दूसरा तरीका हुआ एंडोथीलियल डैमेज, यानी ये जो एंडोथीलियम की सेल्स हैं ये खुद अपने आप डैमेज हो जाएं, ये सेल्स डैमेज हो जाएं तो रास्ता बढ़ जाएगा इनसे। तो एंडोथीलियल डैमेज हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ल्यूकोसाइट कराएं यानी WBC कराएं, हमारी बॉडी की खुद WBC करा दें, या फिर डायरेक्ट डैमेज हो जाए यानी जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है उससे एंडोथीलियम भी डैमेज हो जाए, मतलब समझे, एंडोथीलियम सेल्स डैमेज हो जाए, ये जो सेल्स हैं ये आपस, ये एक ये डैमेज हो गई, ये डैमेज हो गई, तो इसके बीच में जगह बन जाएगी, ठीक। तो डैमेज होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हमारी बॉडी की WBC डैमेज करें, उसको खुद ही आके उसको तोड़ दें एंडोथीलियम को, या फिर जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फिजिकल ट्रॉमा, इन्फेक्शन, रेडिएशन, ऑटो इम्यूनिटी, थर्मल, इन सब रीज़न से एंडोथीलियम भी डैमेज हो जाए यानी वेसल्स पे भी चोट लगे,
तो एंडोथीलियम के टूटने से एंडोथीलियम में जगह बन जाएगी, इस वजह से एंडोथीलियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी अब इन जगहों से लिक्विड और सेल्स बाहर आने लगेंगी, टिश्यू में लीक होने लगेगा, ठीक, उसको बोलते हैं इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट पढ़ लेते हैं, 3-4 हो जाएगा, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी के बाद स्टेसिस, एक छोटा इवेंट है स्टेसिस, मेन इवेंट यही था, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसोडायलेशन और इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। स्टेसिस का मतलब होता है रुकने लगना, कोई चीज रुकने लगे तो उसको बोलते हैं स्टेसिस, स्टे करना, तो स्टे से बनता है स्टेसिस, रुकने लगा, तो ब्लड रुकने लगता है। किस वजह से रुकता है? ब्लड की स्टेसिस होती है, जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पर ब्लड रुक रहा है, दो रीज़न से रुक रहा है। पहला रीज़न तो ये हुआ कि वैसोडायलेशन हुआ है, वेसल्स चौड़ी हो गई इसलिए धीमा बह रहा है। दूसरा ये हुआ जब परमिएबिलिटी बढ़ गई तो ब्लड के अंदर का पानी बाहर निकलने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो ब्लड धीमा भी हो रहा है, ब्लड गाढ़ा भी हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड स्टेसिस होने लगती है। दो वजह से, वैसोडायलेशन हो रहा है, ब्लड धीमे बह रहा है, और दूसरा वाटर लीक हो रहा है, वाटर लीक आउट, वाटर बाहर निकल गया जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो गया, तो ब्लड वेसल चौड़ी हो गई और पानी निकलने से ब्लड गाढ़ा हो गया, जिससे ब्लड रुकने लगता है। जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर ब्लड धीमा बहता है, क्यों? वैसोडायलेशन से और गाढ़ा हो जाने से। ये हो गए हमारे 4 वैस्कुलर इवेंट। फिर से समझो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी वेसल्स का सिकुड़ना, वैसोडायलेशन यानी वेसल्स का चौड़ा होना, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड हो गया इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बोलते हैं हॉलमार्क। और फोर्थ है स्टेसिस। तो गैप फॉर्मेशन, वैस्कुलर परमिएबिलिटी कैसे बढ़ रही है? गैप फॉर्मेशन से, यानी एंडोथीलियम सिकुड़ जाएंगे और बीच में जगह बन जाएगी, या फिर एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी, WBC से भी डायरेक्टली, भी डायरेक्टली यानी ट्रॉमा, डैमेज, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इसके थ्रू भी एंडोथीलियम डैमेज होती है। तो इस वजह से एंडोथीलियम के डैमेज होने से परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर एक डायग्राम में इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा? पहले ये वेसल्स थी नॉर्मल, पहला स्टेप हुआ ये थोड़ी सी सिकुड़ी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? वैसो डायलेशन हुआ, ये नॉर्मल थी, पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इससे पतली हो गई थोड़ी सी देर के लिए, फिर अच्छे से डायलेट कर गई, इसको बोला वैसो डायलेशन। समझ में आ रहा साइज? वेसल्स पहले नॉर्मल, फिर सिकुड़ी, फिर फैल गई। इसके बाद इसमें परमिएबिलिटी बढ़ गई। तो अगर इसमें एंडोथीलियम सेल्स बनाए तो सब चिपकी चिपकी सेल्स थी, इसमें भी सेल्स चिपकी हुई, लास्ट स्टेप क्या हुआ? एंडोथीलियम की परमिएबिलिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? दो रीज़न से बढ़ी। पहला रीज़न तो ये कि एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ गई। अगर ये सेल्स सिकुड़ जाएंगी तो बीच बीच में जगह खाली हो जाएगी। ये सेल्स अगर सिकुड़ने लगे तो छोटे होने से इनके बीच में जगह खाली हो जाएगी, जिससे ब्लड बाहर निकलने लगेगा। ब्लड, पूरा ब्लड नहीं, ब्लड का मटेरियल नहीं, क्लियर? कुछ सेल्स बाहर आएंगी और लिक्विड बाहर आएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। दूसरा रीज़न हो सकता है एंडोथीलियम डैमेज भी हो जाए, एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो वहाँ पे अच्छी खासी जगह बन गई, तो इससे भी बाहर आने लगेगा मटेरियल। तो इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी के दो रीज़न हुए, पहला कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एंडोथीलियम डैमेज। जब पानी बाहर आने लगा, वेसल्स चौड़ी हो गई, तो यहाँ पर ब्लड की स्टेसिस होने लगेगी, यानी ब्लड रुकने लगेगा। तो ये नॉर्मल है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये डायलेशन है, और ये इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी। ठीक, 4 स्टेप हो गए वैस्कुलर इवेंट के, यानी इन्फ्लेमेशन जब भी स्टार्ट होगा तो ये काम होता है वेसल्स में। कल हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट। अब सेल्स में क्या क्या काम होगा उसको पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स में। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय बाय।